अय्यूब की पुस्तक अध्याय एक। अय्यूब की पुस्तक अध्याय एक। अय्यूब का भारी परीक्षा में पड़ना। ऊंच देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था जो खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुए। फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधिया और बहुत ही दास दासियां थी। वरन उसके इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था। उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। और जब जब जीवनार के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़ी भोर उठ उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि पृथ्वी इधर उधर घूमते फिरते और डालते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोते रहते थे और गधिया उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया।